खबर दमोह से है, जहां मोबाइल की दीवानगी में बहू ने सास की हत्या कर दी। मोबाइल पर बात करते समय सास उसे ताने देती थी। बुधवार को भी सास ने फोन पर बात करते समय बहू को टोका था। बहू को इतना गुस्सा आया कि उसने सास को मुगरी से तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। पति के साथ शिकायत करने थाने भी गई। पुलिस को संदेह होने पर बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तब उसने हत्या करना कबूल लिया था। पुलिस ने आरोपी बहू गिरफ्तार कर लिया है। घटना दमोह के हटा ब्लॉक के कौड़िया गांव की है। 19 साल की बहू चाइना वर्मन अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। मायके वालों से दिन भर बात करना सास नन्नी बाई उम्र 47 वर्ष को पसंद नहीं था। वह उसे फोन पर कम बात करने और घर के कामों पर ध्यान देने को कहा करती थी, जिसे लेकर आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। बुधवार को भी दोनों में इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। चाइना ने मुगरी उठाई और सास को पीटना शुरू कर दिया। गंभीर चोटें लगने से नन्नी बाई की मौत हो गई। चाइना ने पति को कॉल किया और बोली, माँ खेत तरफ से घायल हालत में घर पहुंची है। बेटा घर आया तो माँ पलंग पर लहूलुहान पड़ी मिली। इसके बाद पति के साथ हटा पुलिस को शिकायत करने पहुंची। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस ने बेटा बहू से बात की तो चाइना सहम गई, उस पर शक गहरा गया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। 7 जून की शाम को बेटा जब काम से लौटा तो नन्नी बाई ने उससे बहू की शिकायत की थी। बेटे से बोली, बहू अपने पिता के पास दिल्ली जाने को कह रही है, उसके हाथ से फोन छूटता ही नहीं है। रोज रोज के विवाद से गुस्साए पति अजय वर्मन ने चाइना को डांटा और उसका मोबाइल भी छीन लिया था। इससे वह तमतमा गई। वह सुबह होने का इंतजार करने लगी थी। 8 जून को जैसे ही पति काम पर गया तो बहू सास से भिड़ गई और उसकी हत्या कर दी। अजय ने बताया कि पत्नी ने फोन पर बताया कि मां मवेशी लेकर खेत गई थी, वहां किसी ने उन्हें पीट पीट कर घायल कर दिया है। यह सुनते ही मैं काम छोड़कर घर पहुंचा, मां पलंग पर लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसके सिर पर मारपीट से गहरे घाव हो गए थे। मां को उठाने की कोशिश की लेकिन वह पलंग पर अचेत पड़ी हुई थी। इस पर पत्नी के साथ थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। हटा टीआई एचआर पांडे ने बताया कि चाइना वर्मन ने सास की हत्या करना कबूल कर लिया है। उसने बताया कि सास के तानों से तंग आ चुकी थी। जब भी वह अपने मायके वालों से फोन पर बात करती थी तो सास लड़ती थी, पति से भी शिकायत करती थी, जिस कारण पति भी उसे डांटता था। उसे गुस्सा आ गया और उसने हत्या कर दी। गुरुवार को मामले का खुलासा हुआ। आरोपी बहू को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बकरी चराने गई थी, बकरी चरा के आई, मेरी घरवाली घर पे थी तो घरवाली ने देखा कि क्या हुआ मम्मी को। मम्मी बैठी थी चिड़िया के पास तो अंदर ले गई, अंदर लेटाया, फिर मेरे को फोन लगाया तो मैं घर आया, मैंने देखा, पूछा उससे क्या हुआ कैसे हुआ, तो बोले लगी मम्मी वहां से आई और यहां बैठी मिली मेरे को। जुर्म स्वीकार किया है और इसने अपना जिससे मोहरिया से मारपीट किया था वो बरामद करवाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आज उसके मामले न्यायालय पेश किया जाएगा।